स्वागत है आप सभी का स्टडी हाइपर। और आज आपके लिए हम लेके आए हैं नवंबर 14th गिरिराज वीकली साप्ताहिक जो रिलीज किया जाता है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें छपी हैं और इसको हम गो थ्रू करेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए, तो सबसे पहले तो नजर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि नर्सों के 144 और पंचायत सहायकों के भरे जाएंगे 300 पद। देखिए, पंचायत सहायकों की पोस्ट निकलने वाली है जो, और 144 नर्सों की पोस्ट निकलेंगी। ये भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है और ये जल्दी से जल्दी आपकी कुछ ही दिनों में इसके नोटिफिकेशन भी रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और एक और चीज इसमें चीज है कि सरकार मुख्यमंत्री निरोग योजना की भी शुरुआत कर चुकी है, ठीक है। उसके लिए भी इसमें अनाउंसमेंट की गई है और मेनली अभी अभी जो आपका शीतकालीन सत्र होगा जो 10 से 15 दिसंबर 2018 में चलेगा, ठीक है, उसके दौरान इस पे फैसला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गृहिणी सुविधा योजना के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए, गृहिणी सुविधा योजना में अभी तक हिमाचल प्रदेश में 30,000 गैस कनेक्शन सरकार दे चुकी है, तो ये जानकारी जरूर इसको याद रखें। अब देखिए, जो गृहिणी सुविधा योजना है, मैं आपको बता दूं ये किसके ऊपर है। देखिए, जो सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई थी जिसमें लेडीज को फ्री कनेक्शन दिए जा रहे थे गैसेस के, सो उसके तहत हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे लोग थे, कई ऐसी लेडीज थे या परिवार थे जिनको जो उज्ज्वला योजना था उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बजट 2018 में गृहिणी सुविधा योजना को लागू किया और गृहिणी सुविधा योजना के तहत जिन लोगों को गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना में नहीं मिला है, खास करके गृहिणी सुविधा योजना उन्हीं के लिए लगाई गई है। तकरीबन 30,000 लोगों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को 4 मतलब पुरस्कार मिले हैं। और इसमें खास जानकारी जानने वाली ये है कि जितनी भी नवजात शिशु मृत्यु दर है वो 15.8 तथा 5 वर्षों में कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 18.2% की कमी दर्ज की गई है। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए, 15.8 आपकी नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और 18.2 ठीक है प्रतिशत जो आपकी बच्चों की मृत्यु दर है, ठीक है, जिनकी 5 वर्ष से आयु कम के बच्चों की है ना, तो 18.2 कमी आई है। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इसमें हिमाचल प्रदेश को काफी सारे अवार्ड मिले हैं। और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस आती है उसमें मैंने इसका डिटेल डिस्कशन भी किया है, तो ऊपर आपको स्क्रीन पर लिंक दिख रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और अपनी आगे इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली है कि चिंतपूर्णी जो आपका टेम्पल है वहां पर सरकार ने 50 करोड़ की परियोजना लगाई है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। और ये आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चिंतपूर्णी जो माता का टेम्पल है, कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है तो इसको जरूर याद रखें। 50 करोड़ जो है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी पनविद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये है आपकी शानन परियोजना जो कि मंडी जिले में है, 1926 ईस्वी में जोगिंदर नगर में स्टार्ट हुई थी। दूसरा सवाल है, हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हैं, तो ये है आपका सोलन। अगले सवाल पर नजर डालें, प्रदेश में कंप्यूटर में ब्रांडेड सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है, तो यह है हिमस्वा योजना। उससे अगला सवाल है, कल्पा का प्राचीन नाम क्या है। देखिए, कल्पा का प्राचीन नाम है चीनी, इसको जरूर याद रखें। किससे मठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है, तो कौन सा मठ है जिसे हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है, यह है आपका ताबो मठ। अगले सवाल पर नजर डालें कि किस शासक ने कुल्लू में रघुनाथ की मूर्ति की स्थापना 1653 ईस्वी में की थी, तो देखिए ये थे जगत सिंह जी जिन्होंने जो मूर्ति की स्थापना की थी रघुनाथ जी की। आगे बढ़ते हैं, बड़ा शिंगड़ी ग्लेशियर से किस नदी को पानी प्राप्त होता है, ये इजी सवाल है, ये है चिनाब नदी को बड़ा शिंगली ग्लेशियर से पानी प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, 1967 में ऊना तहसील किस जिले में स्थित थी। देखिए, 1967 में ऊना जो तहसील है जो कि अभी एक जिला ही है पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो तहसील किस जिले में स्थित थी, तो ये थी कांगड़ा में, कांगड़ा का ही एक हिस्सा हुआ करती थी। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। देखिए, किस जब बना था हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट स्थापित किया गया था, ये किया गया था आपका 1971 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है। देखिए, भारत की है डुरंड कप, तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो वो है फुटबॉल, ठीक है। और इसका पहली बार आयोजन, इसकी खास बात यह है, 1888 में शिमला में किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 14th नवंबर को, तो एक
इम्पोर्टेंट सवाल भी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के सर्वप्रथम किस भारतीय को सम्मानित किया गया? सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला था? ये मिला था आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे, और सी राजा गोपालाचारी और डॉक्टर सी वी रमन, सभी को 1954 में मिला। ये तीन थे, ठीक है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, और इसके बाद सी वी रमन, जो आपको एक बहुत ही बड़े महान फिजिशियन थे, इसको जरूर याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर नजर डालते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में दूसरी बार न्यायाधीश बनने वाले भारतीय का नाम क्या है? देखिए, दूसरी बार जो वहां पे जज बने हैं हेग नीदरलैंड में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसको अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था, ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे कहा जाता है, जो हेग नीदरलैंड है, ठीक है, और नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टरडेम है, ठीक है। तो ये कौन है जो दूसरी बार न्यायाधीश, मतलब जज चुने गए हैं? ये है दलबीर भंडारी, बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है, ठीक है, और अभी काफी दिन पहले न्यूज में भी थे। आगे बढ़ते हैं, किस बांध के समीप लोह पुरुष पटेल की प्रतिमा लगाई गई है? देखिए, वो है आपका नर्मदा बांध, और देखिए इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आए थे, जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो में इसका कंप्लीट डिस्कशन किया गया है, जो सरदार वल्लभ भाई जी की पटेल की मूर्ति है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक कर लीजिए, आप वहां से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम परस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट खबर ये आई है, हिमाचल प्रदेश सरकार को 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी मिल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अभी अभी जो मेनली ये जो 100 करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव थे उनको भारत सरकार ने मंजूरी दी, और इसके लिए जो खास जो इसमें से तकरीबन 50 करोड़ रुपया सिर्फ स्वां नदी जो तटीकरण परियोजना है, ठीक है, जो खास करके आपके ऊना जिले में चल रही है, तो ये भी याद रखेंगे जो स्वां परियोजना किस जिले में चल रही है, ऊना में चल रही है, और मैं बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है, और 50 करोड़ रुपए जैसे ही अलॉट हुए हैं, और रिसेंटली ऊना में काफी तेजी से काम भी चल रहा है, और ये उसमें से अलॉट किए जाएंगे, और जो 30 करोड़ जो आपके हैं वो निकासी संतरण की स्थापना के लिए सरकार उसमें यूज करेगी, ठीक है। तो तकरीबन ये जो पैसा है ये इस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, और जो अगर आप इसमें और बात करें कि जो बाकी जितने भी हमारे नेशनल स्टेट के हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर और जो नेशनल हाईवेज हैं उनके ऊपर जो भी उनका जिसको बोलते हैं जो भी सड़कें टूट गई हैं उसके ऊपर 27 करोड़ रुपये सरकार कुल खर्चेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपया सरकार उनको मंजूर हुआ, और ये तीन परियोजनाओं में सरकार खर्चेगी। तो इतना कुछ था जो मैं आपके लेके आया, तो अगर आपको ये हमारा न्यूज़पेपर अच्छा लगा तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसकी हम कंटिन्यूस सीरीज लाते रहेंगे, और अब से आपको करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हम बनाते हैं वो आपको उसकी पीडीएफ, और जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसकी पीडीएफ या फिर पीपीटी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो बेटर होगा कि आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर हमने नीचे लिखा है उस पर आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें, तभी आपको ये पीडीएफ आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, वहां पे जाके आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।